नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इति बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आईएबीएफ का रिजल्ट भी आया है। तो ये दोनों चीज को हम लोग इसी वीडियो में मैनेज करके चलेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को वॉच करें ताकि आपको पूरा समझ में आए कि कैसे क्या अपडेट है और हमें आईएबीएफ का रिजल्ट हम कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टेक्निकल इति बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करने के बाद ही मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है, जो हम आईएबीएफ की बात कर लेते हैं कि आईएबीएफ का जो है जो रिजल्ट आ चुका है, तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो आईएबीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप यहां पे देख सकते हैं रिजल्ट बीसीबीएफ एग्जामिनेशन 23 दिसंबर 2018। तो आपको इस लिंक पे जाना है, और लिंक पे जाने के बाद आपको यहां पे रिडायरेक्ट करके आपको यहां पे रोल नंबर और रोल कोड मांगा जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप आई नंबर डाल देना है, तो यहाँ पे जो है कि आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो अब वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक तरफ से हमें बोला जा रहा है कि आप आईएबीएफ का एग्जाम पास करिए, और वहीं पे एक तरफ से हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ जो सर्विस पहले से भी था उसे भी धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमें आईएबीएफ एग्जाम देने से क्या बेनिफिट होने वाला है? अगर हमें क्वालिफाई बंदा माना जा रहा है कि हम क्वालिफाई करके अब यहाँ पे आए, आइए बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी चलाएं, तो हमसे जो भी सर्विस था वो क्यों छीना जा रहा है? बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि धीरे धीरे करके एक एक सर्विस हमसे छीन लिया जा रहा है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं पोर्टल पे और हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं अपना पोर्टल जो है वो लॉगिन कर लिया हूँ, और लॉगिन करने के बाद जैसे हम लोग पहले क्या था दोस्तों कि अपने अकाउंट में आधार वे डिपॉजिट भी कर लिया करते थे, विड्रोवल भी कर लिया करते थे अपना खुद का आधार से, तो वो सारे चीज तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पे उसके बाद दूसरा बचा था कि अगर किसी बंदा को अगर पैसा का ज्यादा जरूरत है, वो 10,000 रुपए से अगर वो संतुष्ट नहीं है, उनको उसको 15,000 का इमरजेंसी है, तो उसको हम 15,000 रुपया जो है जो फंड ट्रांसफर करके दे सकते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो है कि सीधा सीधा फंड ट्रांसफर भी हटा दिया गया है। और दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, तो उसमें क्या था कि यहाँ जो है आपको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन जो था, सेलेक्ट ए सर्विस में आपको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा था कि जो कि एक दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते थे आधार के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वहां पे अभी 2-3 दिन जो पहले बंद हुआ था कि वहां पे क्यूस्क ऑपरेटर का जो आधार कार्ड था उस पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो और ये दोस्तों, अभी 2-3 दिन बाद ये बदलाव आ गया कि यहां से पूरा का पूरा फंड ट्रांसफर का ऑप्शन ही हटा दिया गया है। तो दोस्तों, ये काफी नुकसान होने वाला है हम लोग को। क्यों आईएबीएफ एग्जाम लिया जा रहा है, ये खुद हमें भी समझ में अब नहीं आ रहा है कि हमसे आईएबीएफ एग्जाम लेने के बाद क्या करवाया जाएगा। क्या हमारे पास सिर्फ डिपॉजिट विड्रोवल बच जाएगा या विड्रोवल बच जाएगा? क्या हमसे अकाउंट ओपनिंग भी छीन जाएगा? तो ये काफी सारा ये मैटर हो चुका है दोस्तों। तो इसी के रिलेटिव में थोड़ा सा आप लोग से अपडेट देना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम लोग से सारे सर्विसेज को धीरे धीरे छीन लिए जा रहे हैं। पहले हम लोग, जैसे बता दूं कि पहले हम लोग अगर आधार सेटिंग करते थे, देखिए इस मेनू में आके अगर हम लोग पहले आधार सेटिंग करते थे, तो आधार सेटिंग जो था दोस्तों वो वहां पे तुरंत एक्टिवेट हो जाता था। जैसे हम लोग यहाँ से आधार सेटिंग करते थे तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता था और उसका अकाउंट तुरंत आधार से लिंक हो जाता था। अगर उसका अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज है तो उससे हम लोग पैसा भी विड्रोवल कर सकते थे। लेकिन ये सर्विस भी हमसे छीन लिया गया कि आधार सेटिंग हम यहाँ से करेंगे, उसके बाद ब्रांच से वेरीफाई होगा, उसके बाद आधार सेटिंग उसके अकाउंट में हो पाएगा। तो दोस्तों, इस पे आपका क्या परामर्श है, हमारे डिस्कशन बॉक्स में कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है, क्या ऐसे कर करके कितने सारे सर्विस हमारे हटा दिए जाएंगे। और एक्चुअली दोस्तों, इसमें ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लीज क्लिक हियर टू व्यू द रिपोर्ट। ये हमारे जब पोर्टल पे ये मेनू आया था तो उस टाइम हम लोग बहुत खुश हुए थे कि चलो अब
ऑन टाइम स्टेटमेंट अपना देख सकते हैं, लेकिन ये भी सर्विस नहीं काम कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस पे जब भी आप लॉगिन करिएगा तो ये कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, और सेम वही जैसे पहले रिपोर्ट का प्रॉब्लम था वही सेम रिपोर्ट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कि हम लोग खुद रिपोर्ट भी नहीं देख पाते हैं तो क्यों हमसे IABF एग्जाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पे काफी सारे बात हो जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो कि आपका जो परामर्श है उसको आपको कैसा लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस IABF एग्जाम लेने के बाद हम लोग को वर्क और दिया जाएगा या और छीन लिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और जो भी हो हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार अपना परामर्श जरूर दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।